एनुअल इंस्पेक्शन था हमारा, एक वार्षिक इंस्पेक्शन होता है हर बटालियन का, और उसी इंस्पेक्शन के तहत आए थे। उसके साथ साथ बाकी ऑपरेशन का रिव्यू भी करना था, जवानों से बातचीत करने की, कैंप की स्थिति देखने की, यहाँ के अधिकारियों से भी वार्ता पर ली, सभी प्रकार की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बातें और परिचालनिक बातें, तो दोनों को हमें आज करनी ये होते रहता है। एक दो एकाध दुखा घटना होता है, लेकिन अगर आप बाकी पूरा राज्य का आंकड़ा देखोगे तो 40% से ज्यादा कमी है। जोर हो गया तो नक्सली इधर आ जाते हैं, इधर जोर हो गया तो उधर चले जाते हैं, तो थोड़ा बहुत तो उनको भी अपना अस्तित्व रखने के लिए कहीं जाना होगा, लेकिन इसी दौरान वो कहीं ना कहीं मारे जाएंगे, फुर्सत से भेंट हो जाएगी, बिल्कुल मारे जाएंगे। राज्य सरकार की सरेंडर के बारे में और रिवॉर्ड के बारे में नई पॉलिसी आई है, और ये काफी आकर्षक पॉलिसी है। इसका लाभ लेते हुए जिन नक्सलियों को लगता है कि ये विचारधारा ठीक नहीं है, और वाकई ये विचारधारा तो ठीक नहीं है, ये कभी भी सफल होनी नहीं है इस देश में, तो वैसे नक्सलियों को हम आह्वान ये करेंगे कि वो सरेंडर करें। अगर सरेंडर नहीं करते और पुलिस से मुकाबला होता है तो फिर मारे जाएंगे। उन नक्सलियों के लिए मैसेज है, सरकार ने पॉलिसी बनाई है तो सरकार के पॉलिसी को उनको अच्छा रिस्पॉन्स देना चाहिए, उसके तहत आनी चाहिए, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे निश्चित तौर पर टॉप नक्सली सरेंडर करेंगे। अभी चूंकि ये पॉलिसी रिवाइज हो रही थी, पिछला साल आपने देखा कि पिछले साल में बहुत नक्सलियों ने सरेंडर किया था, इस साल अभी पॉलिसी रिवाइज हो रही थी तो थोड़ा पहले 6 महीने में असर नहीं दिखाई दिया, लेकिन अभी गिरिडीह में हाल फिलहाल में एक इंजोर्ड नक्सली जो हमारे एनकाउंटर में पिछले साल 9 जून के एनकाउंटर में पारसनाथ में जख्मी हुआ था, उसने सरेंडर किया है, सूरज उर्फ बाबूचंद मरांडी, और आने वाले दिनों में इससे भी टॉप कार्डर सरेंडर करेंगे और इसी इलाके से करेंगे। तो ये इस प्रकार की सूचना कुछ दे रहे हैं, कोई दे नहीं रहे, इसके बारे में कोई पुष्टि ऐसे होनी हो रही है, लेकिन हम लोग तो मान के चलते हैं कि झारखंड में है और सभी जगह झारखंड में हम लोग खोज कर रहे हैं। अगर गुमला में है तो गुमला में हमारी बटालियन स्टेट पुलिस इसको खोज रही है, तो जहां भी है, लेकिन अभी ऐसी कोई पुष्टि नहीं हो पा रही।